सो मेरा जो कॉस्ट लगा है वो 0 रुपीज लगा है। उन्होंने मेरे को फ्री में फोन का डिस्प्ले जो है वो चेंज करके दिया है। मेरा तो फोन वारंटी से 88 डेज लेट हो गया, 88 डेज निकल चुके थे और फिर भी मुझे डिस्प्ले चेंज करके मिल गया एप्पल से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो आईफोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी, ग्रीन स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन का जो इशू आ रहा है उसके रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये वीडियो जरूरी समझा बनाना क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर किया जाए। तो वो इस वीडियो में आज हम पूरा डिटेल में इंक्वायरी करेंगे, जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है, रिपेयर कैसा करेंगे और इसके सॉल्यूशंस क्या है। मेरे फोन के साथ भी ये इशू हुआ था और इसको मैंने कैसे बनाया वो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक के देखे, वीडियो में बने रहे, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो एक्चुअली हुआ ये, मॉर्निंग में अपना वीडियो एडिट कर रहा था और वीडियो एडिट करते करते मेरा आईफोन का स्क्रीन है वो वाइड हो गया और मुझे समझा ही नहीं किया ये हुआ क्या। और मैं चेक कर रहा हूँ कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, वाइड कैसे हो गया, और मेरा फोन तो गिरा ही नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ कहीं फोन तो नहीं दब गया या और तो कुछ रीजन नहीं है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि सडनली हुआ क्या, अचानक मैं पूरा वाइड हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं तो टेंशन में आ गया। मैं इसलिए टेंशन में आ गया क्योंकि मेरा फोन से ही रिकॉर्डिंग करना है, एडिटिंग भी फोन पे ही है, वीडियो भी अपलोड करना है। मैंने राजस्थान की सीरीज भी चालू कर दी है, उसका पहला वीडियो भी डाल दिया है और फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। सर्च करने के बाद मुझे पता चला ये अपडेट की वजह से ही हो रहा है, रिसेंटली ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लोगों ने मेल भी किया हुआ है एप्पल वालों को, तो उनका भी कुछ रिवर्ट नहीं है। अब ये किस फोन में हो रहा है एक्चुअली में, ये मुझे पता चला कि भाई ये 13 की सीरीज में हो रहा है ज्यादातर, 13 प्रो में, 13 प्रो मैक्स में, कुछ 14 में भी हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई अपडेट की वजह से हो रहा है, पता नहीं, लेकिन रिसेंटली जो प्रॉब्लम है वो अपडेट के बाद ही आ रही है। मेरा भी अपडेट के बाद ही ये इशू आया हुआ है। फिर अभी मैं सर्च करने लग गया और चीजें कि भाई अब इसका क्या, लोग बोल रहे हैं भाई इसका डिस्प्ले तो चला गया, अब तो इसको चेंज ही करना पड़ेगा। मैं बोला अभी यार ये क्या नया प्रॉब्लम है, इसमें तो अपनी गलती ही नहीं है, रिपेयर कैसा होगा, रिपेयर का कॉस्ट क्या है। रिपेयर का कॉस्ट सुन के तो मेरे तो होश ही उड़ गए। एप्पल स्टोर से अगर आप चेंज करा रहे, आईफोन 13 प्रो का जो डिस्प्ले है उसका चेंज करने का 26,000 लोग मांग रहे और है ना ऊपर से आपका फोन चेक करने का अलग 1,500 रुपया। चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ है, मैं तो एकदम टेंशन में हो गया कि यार 26,000 रुपया बिना कुछ गलती के भरना है। मैं और सर्च करने लग गया कि भाई इसका अभी सॉल्यूशन क्या निकलेगा, अभी इसको करना क्या है, कैसा किया जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऐप से भी करा सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप से कराना तो थोड़ा रिस्की है। तो अभी इतना सर्च करने के बाद तो ये तो पता चल गया कि रीजन क्या था, रीजन अपडेट की वजह से है। कुछ लोगों के फोन में चल भी रहा है बट ज्यादातर लोगों के फोन में अपडेट के बाद ही प्रॉब्लम आया है। रिपेयर कॉस्ट तो मैंने आपको बताया कि रिपेयर कॉस्ट क्या है और रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, या तो आप थर्ड पार्टी से कराओ या तो फिर आप एप्पल के स्टोर में जाके कराओ। 13 की सीरीज में सारे में ही हो रहा है लेकिन प्रो और प्रो मैक्स में हो रहा है, और 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से निकल के सीधा एप्पल के स्टोर में जाके ही बात करते, मैं यहाँ से निकल गया मुंबई के BKC में, एप्पल का बहुत बड़ा स्टोर है जियो वर्ल्ड के अंदर, तो मैं वहाँ चला गया। तो अभी मैं आ गया हूँ जियो वर्ल्ड के पास मेरा आईफोन दिखाने के लिए। यहाँ पर एप्पल का BKC में बहुत बड़ा शोरूम है, तो मैं वहाँ पर आया हूँ अपना फोन दिखाने के लिए। अभी देखते वो व्हाइट स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन जो भी है वो अभी हटती है या नहीं हटती है। तो आपको BKC के अंदर जियो वर्ल्ड के अंदर एंट्री देने के साथ राइट हैंड साइड पे आगे फिर एकदम एंड में कोने में जाना है, वहाँ पर एप्पल स्टोर का पूरा स्टोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो अभी चल के देखते हैं कि उन लोग क्या बोलते हैं उसके रिगार्डिंग में, फिर मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ कि यानी उन लोग क्या बोल रहे हैं, वो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो अभी मैं आ गया हूँ ये एप्पल स्टोर के पास, ये है एप्पल का स्टोर। सो अभी मैं आ गया हूँ जियो वर्ल्ड में एप्पल के स्टोर के पास में और मैंने अंदर जाके अपना फोन चेक कराया, तो अभी बोले कि आप वेट करो, मैसेज आएगा आपको, तीसरे मैसेज पे आपको से जो भी वहाँ के असिस्टेंट है वो बात करके बताएंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं अंदर जाके उनसे बात करूँगा, फिर क्या होता है क्या नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे मैं आपसे बात करता हूँ कि एग्जैक्टली लोग रिप्लेस करके दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, फिर मैं जाके वहाँ पर जो स्टाफ था उससे बात हुई मेरी, तो उसने मेरा फोन चेक किया, फोन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर उसने चेक करने के बाद मेरे को पूछा कि भाई फोन का आपके पास बिल है, मतलब बिल तो घर पे ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने चेक करने के बाद बोला कि आपका तो वारंटी खत्म हो गया। मैं बोला हाँ वारंटी खत्म हो गया, वारंटी खत्म होके 88 डेज हो गया था। फिर उसको मैंने फोन रिपेयर करने दिया, रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को फोन लेने के बाद बोले कि सर आपको 1 घंटे बाद आपको फोन आपका मिल जाएगा रिपेयर करके। मैं बोला ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यानी मेरा कॉस्ट कितना लगा रिपेयर का। सो मेरा जो कॉस्ट लगा है वो 0 रुपीज लगा है, क्योंकि मेरे को कुछ भी कॉस्ट लगा ही नहीं। उन्होंने मेरे को फ्री में मेरा फोन का डिस्प्ले जो है वो चेंज करके दिया है और साथ में 3 महीने की वारंटी भी मिली है मुझे। तो ये
क्यों मिली, एप्पल उन लोगों को चेंज करके दे रहा है जिनका फोन वारंटी में है। मेरा तो फोन वारंटी से 88 डेज लेट हो गया, यानी 88 डेज निकल चुके थे और फिर भी मुझे डिस्प्ले चेंज करके मिल गया एप्पल से। सो ये आपको भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक चीज होनी चाहिए कि आप का फोन जो है डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी लिटिल डैमेज भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे फोन में कोई डैमेज था ही नहीं, तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करके मिल गया। और मेरा यानी एक साल होके 3 महीने 90 डेज के अंदर 88 डेज हुआ था, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन मुझे फ्री में चेंज करके मिल गया। तो ये आपको भी मिल सकता है, अगर आपके फोन में ये प्रॉब्लम है बीकेसी में एप्पल के स्टोर में जाके आप अपना फोन दिखाइए। लेकिन बस शर्त ये है कि आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कॉस्ट है जो चार्ज है अब डिस्प्ले, यानी आपका आईफोन 13 है, 13 प्रो है, मैक्स है, तो जो भी उनके हिसाब से जो चार्ज है वो आपको चार्ज भरने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपका डैमेज नहीं है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बनके मिल जाएगा आपका फोन। और रही बात अब कि अगर आपका फोन में डैमेज है तो सॉल्यूशंस क्या है, या तो फिर आप है ना एप्पल के स्टोर से जो उनका एक्चुअल प्राइस है वो देके चेंज कराइए, या तो फिर दूसरा जो सॉल्यूशन है जो मैंने सर्च करने में मुझे पता चला वो आईसेंस करके एक एप्पल की ऑथोराइज्ड डीलर है, वो चेंज करके दे रहे हैं 9999 में, यानी ऑलमोस्ट 10,000 में। उसके लिए ये प्रोसीजर है कि आपको के वेबसाइट पे जाके डिटेल भर के उनको मैसेज भेजना पड़ेगा, फिर वो आपको कॉल करेंगे यानी आपसे पूछेंगे कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो फिर आपको वो पैक करके उनको भेजना पड़ेगा और फिर वो आपको 7 दिन के बाद बना के देंगे। लेकिन उनका भी यही बोलना है कि अगर आपने थर्ड पार्टी रिपेयर कराया है तो वो आपका फोन नहीं बनाएंगे, यानी आपका फोन किधर और भी बाहर से दिखाया हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो है वो आप कहीं बाहर से भी अपना फोन रिपेयर करा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। मैंने जो पता लगाया था तो मुझे कोई 8,000 कोई 4,000 ऐसा सब बोले, तो ये मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या है क्यों हो रहा है। मोस्टली तो यही पता चल रहा है कि अपडेट की वजह से हो रहा है। और सेकंड जो मैंने आपको बताया कि रिपेयर का, तो रिपेयर आप कैसे करा सकते हैं, रिपेयर का कॉस्ट क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों तक के, और है ना वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।